सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है. मतलब आई नो थोड़ा स्वागत में नेचर ही करा क्योंकि सभी लोग जुटे हुए हैं गणपति बापा के स्वागत के लिए. तो चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ गणपति बापा का कैसे स्वागत करा जा रहा है हमारे शहर में एंड सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी. तो चलो आज मैं सभी को दिखाता हूँ, मैं ऋषभ दिखाएंगे आपको कि कैसे गणपति बापा का स्वागत कराया जा रहा है हमारे शहर में. सो लेट्स गो. सो अभी आपने जैसे देखा रास्ते में काफी अच्छे से मतलब लोगों ने डेकोरेशन वगैरह करके गणपति बापा का भी स्वागत करा है. तो फाइनली अभी मैं आ गया. अबे साले तभी सो ऋषभ भाई के यहाँ. तो क्या हाल है ऋषभ भाई? बढ़िया. ये अपना मुंशी है. मुंशी. तो चले ऋषभ भाई आज लोगों को दिखाते हैं नजीबाबाद में कैसे गणपति बापा का स्वागत कराया जा रहा है. फुल मजा आने वाला है. चले तो लेट्स गो. ऋषभ भाई प्रसाद लाते हुए. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो यही है आरती के बाद. इसके लिए तो आया था मैं. ये सन्नी भाई है हमारे. तो ये ऋषभ भाई और सन्नी भाई है जिनके घर के पास ना यहाँ ये सब डेकोरेशन है और गणपति बापा का स्वागत अलग है. अभी हम यहाँ पर हैं. अभी हम एक जगह और जाएंगे, नजीबाबाद का जो प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर. तो चलो प्रसाद ले लेते हैं उसके बाद चलते हैं. तो भाई मोदक लेकर आओ जल्दी जाओ. सन्नी अकेला नहीं खाना चाहिए. तो अभी ऋषभ भाई गए हैं मोदक लेने सन्नी के साथ मौका मारने. मोदक के नाम पे दिया ऋषभ को केला. तो अभी हम आ गए फाइनली सिद्धि विनायक मंदिर एंड आज अपने पास माइक नहीं है तो थोड़ा इशू होने वाला है. प्लस ऋषभ भाई तो आगे जा रहे हैं. भाई यहाँ बहुत भीड़ होने वाली है तो देखते हैं क्या होता है. भाई क्या क्या हाल है ब्रांडू भाई? तो देख सकते हो अच्छे से सजाया हुआ है. वैसे हर बार यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, शायद कोविड की वजह से अब की बार थोड़ी कम है. यहाँ अभी आरती स्टार्ट की हुई होगी क्योंकि जब से पेंडेमिक हुआ था तब से ज़्यादा भीड़ वगैरह हो नहीं रही है कहीं भी. यार आई थिंक आरती हो गई है. सो देख सकते हो तो मंदिर कितने भयंकर करके अच्छे से सजाया हुआ है भाई. फूल ही फूल, फूलों की मालाओं से सजा हुआ है. मतलब ये गणपति बापा की मूर्ति तो एक है बट ये विसर्जन के लिए एक अलग आई है. तो जो मेन मूर्ति है वो ये वाली है एंड जो विसर्जन के लिए आई है वो ये वाली है. भाई हर साल ही यहाँ बहुत अच्छे से सजाया जाता है, बहुत उत्साह के साथ गणपति जी का स्वागत करा जाता है. एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई, हम थोड़ा सा लेट हो गए तो आरती हमने मिस कर दी क्योंकि हम सन्नी के यहाँ थे तो हम वहाँ आरती देख रहे थे तो यहाँ की आरती हमसे मिस हो चुकी है. बट कोई नहीं, लास्ट डे मिस नहीं करने वाले. पता नहीं क्यों यार मैं हर जगह लेट हो जाता हूँ, सारा समझ नहीं आता मैं हर जगह लेट क्यों जाता हूँ. भाई बहुत बैठा दे रहा है सन्नी, मतलब थोड़ी गर्मी लग रही थी, पंखे लगे हुए थे वहाँ भी बट वहाँ थोड़ी गर्मी पड़ती. बट यहाँ नहीं है, यहाँ अच्छी खासी हवा चल रही है, भयंकर मस्त मजा आ रहा है. यहाँ भी देखो एक लगा हुआ है पीछे. ऋषभ भाई आरती तो मिस हो गई, क्या करें अब? दर्शन करा दो बस. दर्शन करा दो, दर्शन तो करा दिए भाई. तो वैसे मैंने सोचा था आज का वक्त छोटा करने का बट पता नहीं था इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा. तो क्या कर सकते हैं यार, अभी देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं. अभी एक दो जगह और हैं तो मैं दिखाता हूँ मैं. चलो तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे शहर का चौक बाज़ार है. चौक बाज़ार मतलब मेन चौराहा. और चौराहों की तरह और मोहल्लों की तरह यहाँ भी बहुत ही मस्त डेकोरेशन की गई है. देखो घरों पर है, दुकानों पर है और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है.
और दिवाली है, पूरी दिवाली क्या बोला तूने, पूरी दिवाली लग रही है। ये देखिए आप गणपति बापा का पूरा स्वागत किया गया है। ये देखिए पूरा का पूरा शहर ही ऐसा लग रहा है कि सभी ने गणपति बापा को अपने अपने घर बिठा लिया है, लाकर सबके सब स्वागत कर रहे हैं और हर उत्साह के साथ मना रहे हैं गणेश चतुर्थी। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जैसा आपने देखा हमारे शहर में कितने अच्छे से गणेश जी का स्वागत करा गया और सभी लोग जुटे पड़े हैं अपनी ओर से बेहतर करने में और स्वागत कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से गणपति बप्पा का। तो ऋषभ भाई मुझे तो बहुत मजा आया भाई, अब प्रसाद तो एक ही नंबर था। प्रसाद नहीं छोड़ता मेरा भाई कहीं कभी, प्रसाद तो छोड़ता नहीं, ऐसा है ना भूखा है। डाइट पे हूँ मैं। अच्छा डाइट पे हो, डाइट पे हो तो ये हाल है, अगर डाइट पे नहीं होता ना तो सारे प्रसाद खा जाता। तो हो आप सभी को ब्लॉग पसंद आया हुआ एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले यार, और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर है ना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बहुत हमारे यार जितने शेयर करे उतने व्यूज नहीं आ पा रहे यार। यार व्यू बहुत हमारे कसम से यार, थोड़े पढ़ाओ यार, थोड़ा शेयर वेयर करो और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।